Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिंस के बारे में। ट्वेल्थ में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इनके बारे में पढ़ा था, जब हमने एक्वायर्ड इननेट इम्यूनिटी डिस्कस की थी। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्वेल्थ क्लास की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें से आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिंस के बारे में, जो कि आपके 5 टाइप्स के हैं, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। तो इसको याद करने के लिए जो स्मॉल निमोनिक है वो है GMAID। GMAID में आपके सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गए, GMAID। तो अब ये देखते हैं कि ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो आपका जो IgG है वो एक मोनोमर है। हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उसमें हैवी चेन, लाइट चेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो स्ट्रक्चर का अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो IgG का स्ट्रक्चर कैसा है? मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। IgM कैसा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। और IgM मोनोमेरिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, मोनोमर या फिर पेंटामर फॉर्म में। IgA आपका IgA या फिर मोनोमर फॉर्म में है या डाइमर फॉर्म में है। IgD ये आपका मोनोमर फॉर्म में है और IgE भी आपका मोनोमर फॉर्म में है। तो इसको भी लर्न करने के लिए ब्रैकेट में मैंने आपके लिए लिखा है MPDMM। M इज फॉर मोनोमर, P इज फॉर पेंटामर, D फॉर डाइमर। तो आप देखो GMAID जिस तरह से हमने लिखा वैसे ही आपका MPDMM, तो ये आपका स्ट्रक्चर बताएगा। तो जो IgG है M वो मोनोमर है, IgM जो है वो मोनोमर और पेंटामर P से, IgA आपका डाइमर भी है मोनोमर भी है, IgD आपका मोनोमर है और IgE आपका मोनोमर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं GMAID आपका निमोनिक्स हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन्स को याद रखने के लिए और MPDMM आपके स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए। तो IgG जो है वो एक मोनोमर है जो सबसे मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है और ये अकेला इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द फीटस, ये प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी फ्लूइड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन IgG परफॉर्म कर रहा है, अकेला ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और सभी बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है। IgM मोनोमर या पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ब्लड एंड लिम्फ में। फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी मेड बाय द बॉडी टू फाइट न्यू इन्फेक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, न्यू बॉर्न में जो फर्स्ट एंटीबॉडी खुद से बॉडी बनाएगी, दैट इज IgM। तो ये न्यू इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो फीटस में प्रोड्यूस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है टू द सरफेस ऑफ इमेच्योर और मेच्योर बीटा सेल। तो ये आपको फ्री भी मिलेगा और मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में भी मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो एक फीटस में बनता है टू फाइट न्यू इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज IgA, तो मोनोमर या डाइमेरिक फॉर्म में है, ये आपको कहाँ मिलेगा? म्यूकस, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। तो देखो पैसिव इम्यूनिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल प्रोवाइड कर रही है, जो मदर प्रोवाइड कर रही है फीटस को, वो IgG के फॉर्म में है। और आफ्टर डिलीवरी, तो इसीलिए बोलते हैं क्यों ब्रेस्ट मिल्क इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में IgA प्रेजेंट है जो कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो ये भी एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी है जो मदर प्रोवाइड कर रही है। लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, GI ट्रैक, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हो ये सभी सर्फेसेज हैं हमारी बॉडी के। जैसे हमने इननेट इम्यूनिटी में पढ़ा था कि आपका जो सलाइवा है, स्वेट है, ये फर्स्ट टाइम, ये नहीं देखते कि कौन सा पैथोजन है, ये वायरस है या बैक्टीरिया है, ये रिलीज होंगे। तो इनमें जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज IgA। IgD जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है ब्लड में और ये सबसे लीस्ट अंडरस्टूड इम्यूनोग्लोबुलिन है, बट देखा गया है कि एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स में जो IgD है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज IgE, ये एक मोनोमर है और डोमिनेंट
रोल प्ले करता है इन एलर्जिक रिएक्शन। तो हमने पढ़ा भी था कि व्हाट इज एलर्जी, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम। तो जो जब भी एलर्जिक रिएक्शन किसी को होते हैं तो ब्लड में आईजीई की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस हो गए लंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।